Hi everyone, welcome to EG Competitive Classes. So in this particular lecture we will discuss economics current affair, right? So already ye huchi Vision IS magazine, so definitely ye huchi tumo November month ro. So already ara huchi ame data part discuss korichu, ye huchi part 3 I think, right? तो से सब जाए देखी पारे या एथसहित सहित तुम जो पॉलिटिक गवर्नेंस रे मध्ये तीन टा पार्ट डिस्कस कर दिया तो जाए निजे वन्स ताको देखि सारा पर रीड करि परबो सब जिनस ओके तो ये थिला होचे कथा या पूर्वर आम होचे कोन टॉपिकटा करथिले ना दैट इज रहउचे ग्लोबल डेट उपरे आम कहितलु ठीक अछे तो ये हूँ पर्टिकुलरली आउ गोटे से भाया कौन टॉपिक दिया है एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट इन इंडिया सो विथाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट ओके तो ये हूँ कौन आख न्यूज रे एक्चुअली न्यूज रे तुमको दिखाई व्हाई इन न्यूज दैट इज रोच इंडियन रुपीज वैल्युएशन इंडियन रुपीज वैल्युएशन अगेंस्ट करेन्सी ऑफ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर हेज सर्ज टू एन ईयर रोच टू ईयर हाई ऑन सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन क्लियर एंड एलिवेटेड डोमेस्टिक इन्फ्लेशन तो ये कथा ये कह जाए तो सिंपल करेन्सी वैल्युएशन जिनसा जानवा दरकार ओके तो या भी आम प्रिलिमिनरी गुडा भी डिस्कस करें बुझे रईट तो से रिलेटेड रिलेटेड रही तो किसी नुह ये देख सिंपल डेफिनेशन दिखाई इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव अर्थ और वैल्यू ऑफ वन करेन्सी इन टर्म ऑफ अनदर सिंपल थिंग ओके जोटा कि तुम बहुत फैक्टर द्वारा इन्फ्लुएंस भी होता है जो भाई इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लेशन को कैपिटल फ्लो को किंबा मनी सप्लाई द्वारा तुम रही था ओके पूर्व आ गोटे कथा टी देखनी होगा क्वेश्चन कौन कौन सिंपल जो भाया क्वेश्चन तुम रही था ये स्क्रीन में देखी पार नॉर्मल क्वेश्चन तुम ये भाया रही था राइट कौन दिखाई ना प्राइस तो ये हूँ प्राइस ऑफ हूँ वन करेन्सी इन टर्म ऑफ अदर करेन्सी इज कॉल्ड कौन कह जाए सीटा को फॉरेन एक्सचेंज रेट किंवा फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज किंवा तुम्हार करेंट रेट ऑफ एक्सचेंज तो डेफिनेटली हूँ फॉरेन जो एक्सचेंज रेट कह जाए ठीक अच्छे ये सिंपल सिंपल ये क्वेश्चन आम सब भी डिस्कस करूँ डिवाल्युएसन कौन मुझे कही ओके तो ये भी कहीदेवि डिवाल्युएसन कौन आप्रिसीएसन डेप्रिसीएसन या उपर सब आम डिस्कस करूँ तो जो मैंने भी से बारंबार कहे से भिड सब जाए देख सेट गुड़ा रईट तो ये से भाया किसी किसी जो भाया मल्टीपुल स्टेटमेंट बेस रो भी आम स्टेटमेंट गुड़ा भी करी ठीक अच्छे रीर नीर कथा उपर भी आम आलोचना करूँ कि देख से सिंपल सिंपल क्वेश्चन सब रही आम डिस्कस किसी करदे ओके तो जेहतु टॉपिक आ रिलेटेड करद ये गोटे क्वेश्चन भी देखिए देख ये कौन दिखाई तो जेहतु एक्सचेंज रेट उपर रोचे ठीक अच्छे ना तो दैट इज फॉरेन जो तुम एक्सचेंज फॉरेक्स कथा भी कहीपार ये भी से जिनस भी रोचे तो ये गोटे क्वेश्चन जो भाई दिखाई कौन दिखाई द करेन्ट स्पॉट रेट ऑफ यूएसडी USD by EUR, okay, USD by EUR is that is होची कहते ना 0.7500 and the forward rate of and the forward rate for the EUR by होची ऑस्ट्रेलियन डॉलर तुम AUD को था जी देखिए बात दैट इज होची पर्टिकुलरली दिया जाइए कहते 1.4300 हुई जी रिप्रेजेंट है दैट होची पर्टिकुलर को आउची 400 पॉइंट होची फॉरवर्ड प्रीमियम टू द स्पॉट रेट तो ये बढ़िया क्वेश्चन तुम रोहे नहीं कितने कही दूची टिके जहाँ ले भी दिया जाइए ठीक ओके स्केल्ड बाय दैट इज होची 4 डेसिमल प्लेसेस कथा पचारा जाइए देन होची USD बाय होची AUD यदि हमें कथा देखिबा तले स्पॉट रेट टा होची क्लोजेस्ट टू कहाँ संग्रह हो तो ये होची डीपली एते तुम यूपीएससी रे भी क्वेश्चन आसे नहीं भाया सिंपल थिंग राइट तो जे भाया ये कौन दिखाई USD के दिखाई तुम देख USD दिखाई के सरी ये हाँ USD रु तुम हूँ EUR को कन्वर्ट कथा कही USD रु जी देखा मोर EUR कथा जी देखा ये हूँ के स्पॉट रेट टा स्पॉट रेट ये भाया कैलकुलेट हुए तुम ये गुड़ा ओके फॉरेक्स गुड़ा तो स्पॉट रेट के दिखाई दैट इज रोचे 0.7500 दि जाए ये से ही भाया जब आम एक्जाक्ट जिनसा देखा ये सेकेंड पॉइंट कौन दिखाई 1.400 दैट इज हूँ EUR रु जब देखा मोर फॉरवर्ड रेटा कथा तो कैत दि जाए दैट इज हूँ 1.4300 दि जाए रईट तो दैट इज हूँ AUD दैट इज ऑस्ट्रेलियन डॉलर ओके तो सिंपल जिनस दिखाई से पचार हो कहते 400 पॉइंट हो जदि बेसीस जिनसा हे ये कैलकुलेट हुए फॉरेक्स गुड़ा ओके तो फॉरेन जो तुम देख ये फॉरवर्ड रेटा जो रिप्रेजेंट करते तुम्हारे 400 पॉइंट हो फॉरवर्ड प्रीमियम टू दि स्पॉट रेट दैट इज रोचे के चार डेसिमल पर्यंत तुम से जिनसा को प्लेसेस आई नब 4 डेसिमल कहते 400 लिखिदेव 0.0400 ये हूँ
फोर डेसिमल तक आसीगला रईट यही एक्जाक्ट जिनस कहुच नुहे सिंपल से आम करवा ये देख ईर रु जिते बड़े आम एयुडी करूचे हाँ ए यू डी करुच्छे जिते बड़े तेल ये दे 1.4300 रु तुम्हें ये जिनसा माइनस करदेव सिंपली माइनस कले के आसीज तेयालीस 1.3900 आसीज दैट इज रोज स्पॉट रेट ओके ये कैलकुलेट हुए तापर हूँ आम जा टॉपिक उपरको ओके तो ये हूँ तुम जदि देख मेनली ये कराई था जिन गुड़ा देन हूँ तुम्हें ये जिनस को जब आउट एलाबोरेट करदेव तापर हूँ यूएसडी बाय ए यू डी को आम भांगिकना के भाया लिखिपर ना यूएसडी बाय हूँ इ यू आर इंटू यू आर वाई ए यू डी तो ये दुटा कटिगला पर भी से एक्जाक्ट जिनसा सेम ठीक ना नहीं तो या भैल्यू पकाओ के भैल्यू हूँ दैट इज हूँ 0.0 हूँ 7500 इंटू जदि आम देखा के सेकेंड रैल्यू यार भैल्यू हूँ देखा 1.3900 तो ये मल्टीप्लाई कर तो दैट इज रोचे एनसर आसीज तो यही भाया भी रही है ये कैलकुलेसन होता है कि सब जाना दरकार ना आम रोच मेन टॉपिक उपरको आसली ओके तो ये हूँ कहुच कौन ना सिंपल थिंग जब देखा ये पचाराई मैंने करेन्सी भैल्युएसन कौन एवं बुझे जिनसा किसी नुहे ये हूँ प्रोसेसटा जोटा कि डिटरमाइन करुच्चे डिटरमाइन दे रिलेटिव अर्थ और भैल्यू अफ वन करेन्सी इन टर्म अफ एन अदर राइट तो गोटे यू जब देखा आज जब कौन मेथडटे यूज कर मोस्ट कमन मेथड जब देखा दैट इज रोचे एक्सचेंज रेट ओके दैट इज रही एक्जामपल जो भाया लिखा जाए देख इफ द एक्सचेंज रेट फ्रम यूएसडी टू आईएनआर ये जो है ना ओसी तेल यू कैन एक्सचेंज के वन यूएसडी टू वन एस डी के होते टकर फोर हूँ ओसी आईएनआर रे राइट ये हूँ सिंपल थिंग थिला तो कितु ये सब जाना दरकार नहीं आमर जाना दरकार हूँ मेन जब देखा एक्सचेंज रेट मेथड गुड़ा कारण ये मुझे सब क्वेश्चन भी रखी थे दैट इज रोचे मेथड अफ जो एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन जो कर मेथड गुड़ा ये तीन टा जिन दि जाए कौन कौन देख वन दि जाए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट फिक्स्ड हाँ फिक्स्ड आ गोटे फ्लेक्सिबल आ गोटे मैनेज्ड एक्सचेंज रेट तीन टा कथा दि जाइए ओके तो या पूर्व कौन कहला ना फिक्स्डा हूँ कहले कौन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहले कौ गुड़ा ना सिंपल जिनसा हूँ गोटे फिक्स कर दि जाए तो मैंने हूँ सीट धर जाऊ कहे आम सेंट्रल बैंक जो भाई ये लिखाई देख सेंट्रल बैंक एक्टिवली इंटरवेन करता टू मेन्टेन दि फिक्स रेट तो मैंने हूँ कौन धर जाओ आम आरबीआई आरबीआई टे फुल मात्रा मैंने इंटरवेन करता तो डिसाइड भी जिनसा करें भैल्यू के रखे कौन ना ओके तो ये हूँ इंटरवेन करें कि फ्लेक्सीबल एक्जाक्ट जिनसा मार्केट फैक्टर तुम आसी जाए तो मैंने हूँ फ्री मार्केट धर जाओ जमीक सप्लाई डिमांड कथ तुम भाव तो ये हूँ फ्री मार्केट में जो भाया जिनसा देख डिमांड एंड सप्लाई अफ करेन्सी इन इंटरनेशनल मार्केट तो मार्केट थ्रू रही जिनसा डिसाइड रही है जो कैसे एक्सचेंज रेट रुझे ये हूँ कथा सिंपल जिन देन मैनेज कहे हूँ बोथ केत सिचुएसन पड़े भी आरबीआई हूँ सीटा इंटरवेन कर जिनस क्लीयर ना जदि आम देखा सीटा हूँ कौन हम भोलाटाइल जिनसा बेस आसीज से तो सिंपल गोटे कथ बुझ जितेबाला कही थी बालान्स अफ पेमेंट समस्त जाच जिते तुम नेगेटिव हुए बालान्स अफ पेमेंट पेमेंटा जिते नेगेटिव हो से कौन हम मत कह जिते आमर हूँ रुपीटा जो देख रुपीटार प्राइसटा से बढ़ी जाए ठीक ना नहीं रुपीर जो प्राइसटा सपोज मुझे कहे $1 इक्वाल टू धरा जाए 50 टका धरा जाए 50 हूँ आम इंडियन रुपी ओके $1 इक्वाल टू 50 तो से जिनसा एक्जाक्ट जिते आमर जब देख बालान्स अफ पेमेंट नेगेट हुए से कौन कही थी ना दे $1 हूँ 60 टका हो बुझे तो दैट इज हूँ या मान हूँ कौन है ना प्राइस तो बढ़ला दरटा बढ़ला ना नहीं 50 टका तो 60 है गोटे ईर कि भैल्यूटा हूँ कमीगला तो भैल्यूटा जब देख कमीगला प्राइस बढ़ला कितु भैल्यूटा हे कमीगला रईट ये हूँ कथा तो मैंने रुपीटा मोर विकला ये जगह तुम्हें जब कहींपर रुपीटार जब देख एक्जाक्ट हूँ जब देख विकला आई एक्जाक्ट जिते विक जिनसा आम कंपेयर कर दैट इज रोचे ये जो थिंगटा को डिवाल्युएसन सहित डिवाल्युएसन सहित ओके तो आउ डिवाल्युएसनटा हूँ तुम जो रिलेटेड टू जो भाया कहे क्या सहित ना ये हूँ फिक्स्ड एक्सचेंज रिजिम सहित ये हूँ कनेक्टेड राइट जेटा कि तुम जमीक कहे मुझे आरबीआई से समय हूँ तुम रोचे सेंट्रल बैंक जे भी थे सी ही डिसाइड करेंगे जिनसा तो यही कथा आ कि मार्केट जिते बमर एक्जाक्ट जिनसा जिते कह मार्केट ड्राइविंग हो फ्री मार्केट तरफ जे जिनसा एक्सचेंज रेट स्थिर रोज दैट इज हूँ क्या जाए फ्लोटिंग
एक्सचेंज रेट कह जाए ओके एंड ये दैट इज रोचे हूँ डेफ्रिसीएसन ये हूँ कथा कथ सहित ये जोड़ित रही था ये हूँ कथा आज मैनेज कहे कौन किसी जगह ये हेल्ले कौन पूरा मार्केट ये हूँ धरजे सेंट्रल बैंक स्थिर करुचे कि मैनेज कहे आरबीआई कौन पर इंटरवेन करेंगे मोर कह कथा इंडिया केस आरबीआई कौन पर इंटरवेन करे ना डेफिनेटली ये भोलाटिलिटी जो हूँ भोलाटाइल जहाँ भी रोचे से जिनको स्टप करवाई से मैंने मेनली हूँ बंद करने आ समय कौन कर जहाँ भी थी फॉरेक्स ये तो डॉलर जहाँ भी रही थोड़ा से गुड़ा सब बिक्री कैसे समय बुझे तो ये हूँ सेल करदे थे समय मैंने बुझीगला तो आज जिते बड़े एक्जाक्ट जिनसा रिवैल्युएसन जिते बड़े कथ कह से परचेज कर नहीं था डॉलर गुड़ा रईट ये हूँ सिंपल थिंग से कनसेप्ट भी बारंबार कही था तो एक्जाक्ट जिन लिखा है आउ थे भी रिडिंग कर दूसरी ना भी निज तरफ टी रिड करदेव ये सब जिन ओके ये लिखाई कौन लिखाई फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ना वैल्यू ऑफ ए करेंसी इज हाँ पिक्ड और हूँ फिक्स्ड टू दि वैल्यू ऑफ अनदर करेंसी एज ए बास्केट ऑफ हूँ करेंसी जहाँ भी बास्केट करेंसी रही है कमोडिटी लाइक गोल्ड है ओके तो ये हूँ कथा सिंपल से भाया ये हूँ देख सेंट्रल बैंक ये कौन लिखाई है डज नॉट इंटरवेन डायरेक्टली टू दि अफेक्ट ऑफ द लेवल ऑफ एक्सचेंज रेट ये हूँ कर किए मेनली होता है ना मार्केट ड्राइवन होता है तो दैट हूँ डिटरमाइन बाय द फोर्सेस ऑफ द मार्केट क्लियर तो ये हूँ कथ मैनेजर मुझे कौन कहली इमरजेंसी समय है तो दरकार पड़े जे जगह करवा कथा इंटरवेन कर इंडिया कौटा फलो कराऊ डेफिनेटली एंटर करुच भाई रईट तो ये हूँ कथा ता गोटे किसी गोटे इवोल्यूशन कथ दिखाई ये देख ये कौन दि जाइए इयर दे दिखाई ये हूँ तुम हूँ फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट एंड हूँ तुम जी देख एक्सचेंज रेट कथ दि जाइए ये हूँ तुम फिक्स्ड जो तुम एक्सचेंज रेटा जो प्रथम कथ कह जो आरबीआई इंटरवेन करूला तो ये देखिए जो 1947 प्रथम जिनसा देखा 1947 स्वाधीनता पूर्व 1971 जाए जदि देखिए ना रुपीज एक्सटर्नाल पर वैल्यू वाज फिक्स्ड इन टर्म ऑफ कौन गोल्ड विथ द पाउंड जेटी हूँ स्टेरलिंग एज ए इंटरवेनेशन करेंसी तो सही कथा देन जब देखा 1971 कथा जब देखा ये ब्रेकडाउन ऑफ हूँ ब्रिटेन हुड जो तुम सिस्टम आईएमएफ कथा भी लिंकेज करके देन हूँ प्रोटेक्शन ऑफ जब आम देखा मेजर करेंसी ये हूँ कथा कहुचे तो ये बेसिक जिनस पढ़ी हे सब निजे निजे ओके देन हूँ जी 19 जिते आमर हूँ टोटाल देख 19 जी आम कौ समयटा दैट इज हूँ 93 कथ जी देख तेठी मार्केट हूँ ड्राइवन एक्सचेंज रेट रिजिम व्वाज इंट्रोड्यूस कराला रईट ये हूँ कथा तो दुटा हूँ आप्रिसीएसन डिस्क्रिप्शन से सब जिस कहुच्छे कि गोटे जिनस जाना दरकार नीर आउ रिद दि जाइए देख एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन इन इंडिया तो कते भी तुम क्वेश्चन आसी थे जे आर ई आर दैट इज हूँ रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ये हूँ तुम हूँ गोटे इंडिकेटर कि ट्रेड जो कंपिटेटिवनेस रहा हाँ कह बुझेगा तो ये हूँ क्वेश्चन तुम रोहे आईएसर क्वेश्चन ये भाया तुम रही था सिंपली देन जब पचरा जाए जो रिर कथा जब देख रिर ये कथा जी कह नीर आउ गोटे रि रहा दुटा दैट इज हूँ गोटे नोमिनियल आम जो गोटे नोमिनियल कहे आ गए तुम्हें जो देखो तुम हूँ कौचे रियल जेटा कहे नोमिनियल को केत कहुए गोटे जिनस अरे नोमिनियल जो कौच आम नोमिनियल रु जिते बड़े तुम माइनस करदेव इनफ्लेसन फैक्टर को सेत रियल जिनसा आए रियल इंटरेस्ट रेट तुम कहीदे तो एक्जाक्ट जिन ये सहीटा होठी कौन लिखाई ना ये लिखाई देख नोमिनियल जो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट्रे मेजर मेजर हाँ मेजर अफ द वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी एग्नेस्ट ए बास्केट ऑफ द अदर करेंसी जहाँ भी रहा टेकिंग इनटू अकाउंट एक्सचेंज रेट विथ इट्स मेजर ट्रेडिंग पार्टनर तो जे मैंने भी ये तो ये सिंपल जिनस आई थिंक ये क्लीयर है ये सब किसी नुहे ठीक अच्छे आर्रे कौन कहली ये हूँ जब आम मेनली जब रिर कथा देखा ये इनफ्लेसनटा को हटे दि जाए तो कहबी मैंने इन सेन्स अफ वेटेज अफ जो इनफ्लेसनटा एडजस्ट कर दि जाए विथ द हूँ क्या सहित ना दैट हूँ पार्टिकुलरली नीर सहित हूँ एडजस्ट कर दि जाए बुझेगा तो ये हूँ सिंपल जिनस जदि भी न बुझे किसी नहीं टेस्ट गुड़ा भी आहुरी कम्प्लीटली करवा कारण ये जब आम बेसिक उपरको पड़ेगा तो लेंदी हो सब जिन कम्प्लीट करहबनी ओके देन ये हूँ कथा ये एडजस्ट कर दि जाए डिफरेंट प्राइस लेवल वही हूँ यही सहित किसी असुविधा नहीं ओके ये बायलेटरल एक्सचेंज रेट पढ़े हुए सब जिन देन आउ गोटे कौन कहा जाए ये हाँ ये गोटे इफेक्ट कथा कहुचे ये देख ये कौन कहुचे इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट ऑन
ହଁ ଅନ୍ ଅଦର କି ଇକୋନୋମିକ୍ ଭେରିଏବୁଲ୍ ଯାହା ଗୁଡ଼ା ସହିତ ରହିଲେ ବି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କଥା ଏଇଠି ଦିଆଯାଉଛି, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ରହୁଛି ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଓକେ, ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ସେ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ଓଭର ଭାଲ୍ୟୁଡ୍ ମାନେ ଏନ୍ ଓଭର ଭାଲ୍ୟୁଡ୍ କରେନ୍ସି କ୍ୟାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଟୁ ଲୋୟର ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ବାଇ ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଦ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍ ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଭାଇସ୍ ବର୍ଷା, ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତା ମାନେ କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଓଭର ଭାଲ୍ୟୁ କରେନ୍ସି କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏଠି ବି ଟର୍ମ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଓଭର ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍। ଓଭର ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ଅକର୍ସ ହ୍ୱେନ୍ ଏ କେତେବେଳେ ନା କରେନ୍ସି କରେନ୍ସିସ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍ ଇଜ୍ ହାୟର ଦେନ୍ ଇଟ୍ସ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଭାଲ୍ୟୁ ଅର୍ ତୁମେ କହିପାର ସେଇଟା ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଠାରୁ, ବୁଝିହେଲା। ତା ମାନେ ଯଦି ଓଭର ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ କହିବା କଥା ମୋର, ସପୋଜ୍ ଏବେ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ କ'ଣ $1 ଅଛି ତୁମର ପାଖରେ, ଓକେ, ତ $1ଟା ତା ମାନେ ଏବେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲି ଯଦି ଭାଲ୍ୟୁଟା ତାର ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଭାଲ୍ୟୁଟା ଯଦି ହେବା କଥା ଯଦି ସପୋଜ୍ ମୁଁ କହିବି $80, ଓକେ, ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା $80 ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେବା କଥା ସେଇ ଜିନିଷଟା RBI ଏଠି ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ କଲା, RBI ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ କଲା, ସେ ସେଇଠି ଏତେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ କରୁଛି ବି ଜାଣୁଛ, ତ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ କହିଲା କେତେ ନା ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ରହିଛି ନା $70 କରିଦିଆଗଲା, ତ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଏଇ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଜିନିଷଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏଠି ଯଦି ଦେଖିବ ଓଭର ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ କୁହାଯାଏ ବା ଓଭର ଭାଲ୍ୟୁ ବି କହି ଦିଆଯାଏ ଜିନିଷଟା, ବୁଝିହେଉଛି। ତା ମାନେ ବି ଯଦି ନ ବୁଝିଛି ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସପୋଜ୍ ହେଉଛି ଏଠି ହେଉଛି ମୁଁ, ଓକେ, ମୋ ପାଖରେ ଏଠି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫୁଡ଼୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ମୋର ପାଖରେ, ରାଇଟ୍, ତ ଏଇ ଫୁଡ଼୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛି କିଛି ଜିନିଷ, ବୁଝିହେଲା, ବାହାରକୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ହେଉଛି କିଛି ଫୁଡ଼୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ସାମ୍ନା କିଛି କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ହେଉଛି ସେ ଜିନିଷକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା, ତ ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରି କହିପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ $1 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 70 ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଯଦି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୂପୀରେ ଯଦି ଦେଖିବ ହେବ, ତାହେଲେ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବି ସେ ଜିନିଷଟା କେତେ କ'ଣ ହେବ, ମୋର ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିବ, $70 ଆସିବ, ସପୋଜ୍ $1 କଥା ତୁମେ ବୁଝ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଓକେ, ତ $70 ବେସିସ୍ରେ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଜିନିଷଟା $80 ଯଦି ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ମୋର ପାଖକୁ $80 ଆକାରରେ ଆସିଥାନ୍ତା, ବୁଝିହେଉଛି। ଆଉ ମୋତେ କୁହ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ତୁମେ ତ ଫୁଡ଼୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମୋର ଅଛି ଥୋଡ଼ି ନା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଅଛି ସେମିତି ତ ନାହିଁ, ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହିଁ ଅଛି, ତ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଜିନିଷ କହିବା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଦେଖୁଛ $70 ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇ ଜାଗାରେ କରିପାରିବି ବିଜନେସ୍ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, କି $80 ହେଇଥିଲେ ଏଇ ଜିନିଷରେ ମୁଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଟିକେ ମାନେ କ'ଣ ସେଠି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ କରିଦେଇପାରିଥାନ୍ତି, ବୁଝିହେଉଛି। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଜିନିଷ ଏଇଠି କୁହାଯାଉଛି। ତ ସେଇପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଓଭର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଇଯିବ, ମାନୁଛି ଦେଖ ଯେଭଳିଆ ଦେଖ $1 ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ସବୁ $50 ରହିଲା, ତ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିକିନା ସପୋଜ୍ ମୁଁ କହିଲି ସେଇ ଜିନିଷଟା ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଯଦି ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଗଲା, ବା $1 = 60 ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତ ଦେଶର ମାନେ ୱାନ୍ଟା ବି କ'ଣ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଭଲ କହିଦେବ, କିନ୍ତୁ ଓଭର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ତା ମାନେ $80 $1 = 80 ଥିଲା, ତା ମାନେ $70 କରିଦିଆଗଲା, ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିଦିଆଗଲେ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ, ଯେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିପାରିବ କାରଣ ଅଳ୍ପ ପଇସା ଦେଇଥିବ, ସବୁ $70 ମୋତେ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ହେଲେ ଯଦି $80 ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କହିପାରିବ, ବୁଝିହେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ନାହିଁ ରିଭାଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ତା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଆମେ ମାନେ ବେସିକ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ସେସବୁ କ୍ଲାସ୍ କଭର୍ କରୁଛୁ। ଓକେ, ତ ଇଏ ହେଉଛି ଥିଲା କଥା, ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଇଏ ହେଉଛି କ୍ଲିଅର୍ ହେବ। ତା ମାନେ ହେଉଛି ସିମ୍ପୁଲି ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ କହିବି, ଓଭର ଭାଲ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ବି ବୁଝିହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ଓଭର ଭାଲ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଯଦି ତୁମକୁ ବି ପଚରାଯାଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବି ରଖିଦେବ ତୁମର ସିଏ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ଯେ ଓଭର ଭାଲ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ବି ବା ଓଭର ଭାଲ୍ୟୁଏଟ୍ ଯେଉଁ କରେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ କମିଥାଏ ନା ବଢ଼ିଥାଏ, ବୁଝିହେଲା। ଓଭର ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ମାନେ ବା ଓଭର ଭାଲ୍ୟୁଡ୍ ଯେଉଁ କରେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ଟା ସାଧାରଣତଃ କମିଥାଏ ନା ବଢ଼ିଥାଏ, ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କରିକିନା ଛାଡ଼ିଦେବ, ବୁଝିହେଉଛି। ତ ଡେଫିନେଟଲି ତୁମେ କହିବ କମିଥାଏ କହିବ, ବୁଝିହେଲା, ଓଭର ଭାଲ୍ୟୁ କରେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ରିର୍ରେ, ହଁ ସେଇ ରିର୍ଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଏଇଠି ଅଛି, ହଁ ଏଇ ଯେଉଁ ରିର୍ରେ ଯଦି ପଚାରେ, ଏଇ ତାର ବାସ୍କେଟ୍ରେ ପଚାରିଲେ, ତାହେଲେ ହେଉଛି 40 କରେନ୍ସି ଅଛି, ଇଏ ବି ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ରଖିଥିବ। ଓକେ, ଇଏ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇପାରେ। ଦେନ୍ ହେଉଛି ଏଠି ଯଦି ଦେଖିବ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ କଥା, ଓଭର ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ହେଲେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ସହିତ କ'ଣ ଲିଙ୍କେଜ୍, ଇଏ ବି ପଚାରି ଦେଇପାରେ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି ପଢ଼, ନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନିଂ କରେନ୍ସି ବାଇ ଲୋୟରିଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଟୁ ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ। ତ ଡେଫିନେଟଲି, ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଓଭର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଲେ ହେଉଛି ତୁମର ସିଆଡ଼େ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ କମିଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତାର ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି କେମିତି ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ କମିଲା କହିଲି, ତ ତା ସହିତ ବି ଲିଙ୍କେଜ୍ ବି କରିଦେଇପାରିବ ତୁମେ, ହେଉଛି ଲୋୟର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଜିନିଷ ଲେଖାଏ, ସିମିଲାରଲି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଟୁ ଦ ୱିକନିଂ କରେନ୍ସି ବାଇ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଦ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍,
बुझे हुचे ये हुचे थला सिंपल जिनस देन आम जब देखा से भाया आउ गोटे कथ कहा तुम कौन इकोनोमिक ग्रोथ कथा ना इकोनोमिक ग्रोथ तो इकोनोमिक ग्रोथ में कौन होता है ना जिते बड़े भी व्हाइल स्ट्रंगर करेन्सी स्ट्रंगर करेन्सी कैन कंट्रीब्यूट लोअर इनफ्लेशन डेफिनेटली ओके तो इट मे हूँ से जिनसा कौन कर रिड्यूस करदेव स्ट्रंगर करेन्सी जदि देखे स्ट्रंगर करेन्सी केत ये भी बुझ जिते कहली वन रुपीजा सपोज मुझे कहली 80 टाँचा तुम रोचा से जिनसा सरी वन डलार्टा तुम 80 आम इंडियान रूपी में थिला ओके सेत बारे हूँ वन डलार्टा सपोज हूँ 70 हो गला मुझे तो ये मैंने कौन ये हूँ ये एक्जाक्ट जगार जब आम देखा ये हूँ भैल्यू अफ द रूपी इनक्रीजेस दैट इज हूँ स्ट्रंग आम कहींपर बुझे तो आज जिते स्ट्रंग हम ये जगार हूँ मत कौन हम कह ये जिनसा जिते बड़े स्ट्रंगर जिते बड़े जिनसा हम तेल से कौन हम से रिड्यूस कर एक्सपोर्ट हूँ ड्राइवर सेक्टर बुझेगा कारण ये जिनसा गुड फॉर मुझे कौन कहली ये जिनसा हूँ गुड फॉर इम्पोर्ट बुझी हूँ इम्पोर्ट कल से ठीक अच्छे किंतु दैट इज हूँ रिड्यूस कथ डेफिनेटली ये हूँ रिड्यूस हेल्ले तो तुम हूँ डिक्लाइन कर ओवरअल एक्सपोर्टा ही उपरे तो ये कराए ठीक ना ना एक्सपोर्ट जिते हम से भल कहुए देन हूँ डिक्लाइन हो ओवरअल इकोनोमिक ग्रोथ रे भी ये कथा देन ट्रेड कथ कहुए स्ट्रंगर स्ट्रंगर करेन्सी मे कंट्रीब्यूट टू ट्रेड डेफिसीट बा एज एक्सपोर्ट बिकम हो लेस कंपिटेट रक्जाक्ट जिनस बुझे आउ इम्पोर्ट जे इम्पोर्टा हेल्ले कौन इम्पोर्टा हूँ मो मैंने मोर आट्राक्ट जब देख ये हूँ डोमेस्टिक कंज्यूमर पर कैपिटल फ्लो कथ कह तो स्ट्रंगर करेन्सी डेफिनेटली हूँ तो आट्राक्ट करें बहुत मात्रा एफडीआई गुड़ा ओके दैट इज हूँ फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गुड़ा तो आसवे ही आसवे इन्वेस्टर से हाई रिटर्न ड्यू टू हूँ करेन्सी आप्रिसीएसन ओके आउ आप्रिसीएसन रिभेल्युएसन जे मैंने बुझीपुन एसब जिन कही मुझे नुहे रिभेल्युएसन एप्रिसीएसन डिभालुएसन आ गोटे कौन उठाला डेप्रिसीएसन यू जिन सब टर्म कहर ओके तो सब जो मैंने भी आगे जोड़ित थोड़े चैनल सहित जानते देन ये हूँ बिजनेस डिसीजन डेफिनेटली ये हूँ हाई लेवल एक्सचेंज रेट हूँ क्या हूँ हाई मैंने वोलेटाइल हम गोटे प्रेडिक्शन आम कमी जापर जिनसा ओके प्रेडिक्ट ये हूँ देख प्रेडिक्ट हूँ कॉस्ट प्राइसेस एंड हूँ प्रॉफिट एक्यूरेटली ये सब जिनसर चैलेंजिंग सृष्टि कर ओके आउ कौन कौन चैलेंज सृष्टि करुच्छे मैनेजिंग जो तुम एक्सचेंज रेट रे मुझ कौन कहली मझे हूँ आरबीआई रहा मैनेज हूँ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिंपल वे कहली ओके तो कौन कौन चैलेंजेस तथा सृष्टि करुच्छे देख कि नुहे फास्ट चैलेंजेस कही से अनप्रेडिक्टेबल जिओ पॉलिटिकल इवेंट विभिन्न प्रकार हो जे भाया जिओ पॉलिटिकल क्षेत्र रे इवेंट गुटा देखिबो यूएस चाइना ट्रेड वार कथा देखो तो से ट्रेड वार माने ट्रेड रे माने सॉरी ट्रेड वार ताकर चलला यूएस चाइना रो किंतु पूरा कौन देश माने पूरा संसार होची पृथ्वी रो जहाँ भी देश होचन से माने होची असुविधा पड़े ये भाया कथ रशिया यूक्रेन वार कथ से देख नेचुरल डिजास्टर कथ देख ओके ये हूँ अनप्रेडिक्टेबल गोटे मुवमेंट देता है तो एक्सचेंज रेट रे सब जिन भी अफेक्ट करता है ओके देन हूँ स्पेकुलेशन एंड हूँ मैनिपुलेशन तो डेफिनेटली चाइना सब बड़े कौन करता है करेन्सीटा हूँ निजर डिवाल्युएट करके रखी था समस्त जानते भी ओके तो से जिन तथा जमी बइंग एंड सेलींग अफ हूँ करेन्सी इन दरेस् मार्केट अफ हूँ स्पेकुलेसन एंड मेनिपुलेसन कैन दैट इज हूँ जब हम पर्टिकुलाली कहे भोलाटाइल जिनसा ये भी चैलेंजेस सृष्टि कै रईट देन हूँ गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो ये डेफिनेटली डिवाल्युएसन क्या कह डेप्रिसीएसन क्या कहे स्टेबिलाइज करने ओके ये जो इनफ्लेशन युवाक तो ये भी पढ़ी पार निज तरफ देन ये गोटे इंपोर्टां टर्म दि जाए दैट इज रोज कौन ना इम्पॉसिबल ट्रिनिटी राइट अच्छा इम्पॉसिबल ट्रिनिटी और इनकनसीस्टेंट ट्रिनिटी या मैंने कौन दैट इज इट रेफर्स टू द आइडिया दैट एन इकोनोमी कैन नॉट पोस इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी मेंटेन ए फिक्स एक्सचेंज रेट एंड हूँ एलाउ दूसरी फ्री मार्केट कैपिटल एक्रॉस द एट एट सेम टाइम अच्छा ता माने कौन देखो इन इम्पोसिबल ट्रिनिटी कहले कौन इम्पोसिबल ट्रिनिटी कहले ये जिनसा जो ये तीन टा कथा कहला कौन कौन दैट इज रोचे ये भी दिखाई बोधे हाँ इनकनसीस्टेंट ट्रिनिटी देख ता मैंने कौन कहला गोटे हूँ कहला फ्री कैपिटल फ्लो आ गोटे हूँ तुम हूँ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड हूँ सोवेराइन मॉनेटरी पॉलिसी ये तीन टा जिनस कह मैंने एका सांगे एक्जिस्ट करे बुझे जदि भी गोटे देश कहीं कर हार्डली हूँ दुईटा तो कर आ गोटे हेब ही ना तो ये गोटे किसी मॉडल के गोटे इकोनोमिस्ट देते मॉडल देखिए किए देते ओके तो ये लिखाई भी सही कथा देख दैट इज रोचे एग्जाम्पल दिखाई अच्छा इफ इंडिया हेज ए हूँ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड हूँ एलाउ हूँ जो फ्री कैपिटल फ्लो देन इट हेज टू यूज हूँ मॉनेटरी पॉलिसी
टू मेंटेन एक्सचेंज रेट इट इज नॉट सॉवरेन एनीमोर। अच्छा यही कथा तो लूज कर सपोज कर एक्स वाई जेड गोटे कंट्री कथा भाव सपोज यही कंट्री पाखे मुझे कहली दुईटा जिनस भी संभा पारे सपोज फ्री कैपिटल फ्लो करा आ गोटे हूँ तुम कौन ना फिक्स्ड एक्सचेंज रेट भी करा ठीक अच्छे तेज जदि फ्री कैपिटल फ्लो होता से जिनसा के से लूज कर तार जब मैंने कंट्री देखे मॉनेटरी पॉलिसी उपर ठीक ना नहीं तो सभेराइन आम कमी कहीदेव तो हम नहीं गोटे जमापड़े ये हूँ सिंपल थिंग ये कथ कह निजे थोर वे रो ये सब जिस पड़े ओके देन हूँ वे फॉरवर्ड कथ दि जाए आई थिंक हूँ क्लीयर हो जिस ठीक अच्छे वे फॉरवर्ड में भी निजे देखी नब तीन टा कौन दि जाए ये भी दरकार नहीं कि मेन थिंग से गुड़ा कहीदे ओके ठीक अच्छे जब भिड भल लगे निज सांग सहित सेयार करो और चैनल को जो प्रथम थर पर भिजिट करता डेफिनेटली सब्सक्राइब करने भूल रईट तो थैंक्स फर व्वाचिंग।